उत्तर प्रदेश में सारे सबके दांव लगे हुए हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या कहते हैं, कहना है रामगोपाल यादव का। आमिर हक ने उनसे बातचीत की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव परिवार में पहले वो शख्स हैं जो वोट डालने आए हैं सैफई के इस पोलिंग बूथ पे। सर, पिछली बार 3,62,000 के आसपास विक्ट्री का मार्जिन था मुलायम सिंह जी का, इस बार तेज प्रताप के लिए आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक द मार्जिन विल बी मोर देन 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा आप कह रहे हैं, लेकिन ये तीसरी पीढ़ी के नेता होंगे आपके परिवार में। आपको लगता है कि मुलायम सिंह जी जितना विक्ट्री का मार्जिन लाते थे या जिस तरह का परफॉर्म करते थे इस सीट पर, उतना कर पाएंगे? द पीपल हैव डिसाइडेड टू गिव हिम मोर वोट्स हिंदी बिकॉज ही जनता ने तेज प्रताप सिंह को ज्यादा वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि जो छोटा होता है उसका अधिकार ज्यादा होता है। सर, इस बार बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, आपको लगता है कि विधानसभा की जो सीटें हैं उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा इससे, और समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, क्योंकि जो बीएसपी का मतदाता है वो परंपरागत ढंग से हमारे ज्यादा नजदीक है बीजेपी के कम। तो ध्रुवीकरण की बात हो रही है लगातार, जो उपचुनाव से पहले का जो दौर रहा है, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जिस तरह के भाषण दिए हैं, जो कुछ बोले हैं, आपको लगता है कि उसका असर आपको इन चुनावों में देखने को मिलेगा? नहीं, ध्रुवीकरण कोई नहीं होगा। जो कुछ मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहा है। सो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल, अपने पूरे परिवार से सबसे पहले वोट डालने के लिए आए थे यहाँ सैफई के इस पोलिंग बूथ पर। कहते हैं कि बसपा के चुनाव न लड़ने से उनको फायदा होगा और बीजेपी की ध्रुवीकरण की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। कैमरामैन सलीम के साथ आमिर हक, मैनपुरी, आज तक।